नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मौजमाबाद के बटालियन मुख्यालय के नजदीक कड़वा का बास गांव में चारे में आग लग गई, जिसके बाद बटालियन मुख्यालय पर तैनात रेस्क्यू टीम द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय नागरिकों और प्रशासन ने SDRF द्वारा किए गए रेस्क्यू कार्य की सराहना की। जसनगर के निकट नागौर जिले के झींटिया गांव की लता जैन धर्म की दीक्षा हासिल कर सांसारिक मोह माया छोड़ने जा रही है। लता का जन्म 4 अप्रैल 2004 को हुआ था। 4 साल की उम्र से ही जैतारण स्थित श्री मरुधर केसरी पावन धाम में जैन साधु साध्वियों का उसे सानिध्य मिला। वहीं पूरे परिवार ने लता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। माता पिता और रिश्तेदारों ने उसे घोड़ी पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाया। उसे दुल्हा और दुल्हन के वेश में सजाया गया। उसकी हर इच्छा पूरी की गई। किशनगढ़ के पुराना बास बस स्टैंड स्थित एक होटल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने के बाद होटल में भगदड़ मच गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया। मामले की सूचना पर किशनगढ़ तहसीलदार मोहन सिंह राजावत भी मौके पर पहुंचे। 12 शहर के कृषि उपज मंडी से माल को उठाने को लेकर शहर के ट्रक संचालकों ने हड़ताल कर दी। इस दौरान ट्रक संचालकों ने मंडी से माल उठाने के लिए मना कर दिया, जिससे मंडी की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। ट्रक यूनियन संचालकों द्वारा रिको इंडस्ट्रीज एरिया स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि कृषि उपज मंडी में बाहर के ट्रक ओवरलोड माल भरकर ले जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि उनकी यूनियन के ट्रक अंडरलोड माल भरते हैं, फिर भी उनको परेशान किया जाता है। ट्रक यूनियन की हड़ताल कर रखी है ओवरलोड को बंद कराने बाबत। एवं जो मंडी से अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली, जिन ट्रॉलियों में 4 व्हील लगे हुए 4 पहिए, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को कृषि जिनकी ट्रांसपोर्टिंग में, प्लांटों की में, मंडी से वेयरहाउस की में, इन सब की में व्यापारी यूज़ में ले रहा है, तो उसको बंद कराने की लिए और पीवर अंडरलोड जो हम 4 साल से चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए, हम तो अंडरलोड चल रहे हैं। बाहर की जो गाड़ियां आ रही हैं उनको मंडी के व्यापारी ओवरलोड बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, हम पालना कर रहे हैं। एक तो ये हमारी मांग है। दूसरी, ये जो ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जानलेवा रोड पे ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं 400-400 बोरी लेके, 300-300 बोरी लेके, और मंडी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं गेट पास बनवा के, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर ही नहीं है। बूंदी पुलिस ने ऑपरेशन समानता के तहत जिले भर के अलग अलग इलाकों में आधा दर्जन दलित दुल्हों की धूमधाम से बिंदोरी निकलवाई गई। यहां पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर बिंदोरी पर पुष्प वर्षा कर इस सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने को लेकर पहल की। सालों बाद निकली बिंदोरी से ग्रामीणों ने पुलिस पहल की सराहना भी की। धूमधाम से गाँव में बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान बिंदोरी में ग्रामीण व समानता समिति के सदस्य मौजूद रहे। दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने ब्लॉक सिकराय के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह के साथ सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने कार्यालय में उपस्थित रहे। कनेरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वाहनों से 17 क्विंटल 45 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस द्वारा मामले में संलिप्त मुख्य आरोपी को नामजद किया गया। SP प्रीति जैन ने बताया कि जिले में मादक पदार्थ की धरपकड़ हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियरों ने संभागीय आयुक्त नीरज के पवन से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। स्वयंसेवकों ने बताया कि उन्हें समय पर ड्यूटी नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें रेस्क्यू टीम का स्वयंसेवक माना जाता है, वह भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरह काम करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि काम के बदले समय पर वेतन भुगतान भी नहीं हो रहा। साल में एकमात्र ड्यूटी मिलने से परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। जी बताएं, क्या मांग है, किस लिए आए हैं? हम सर से इसलिए आए हैं क्योंकि हमें ड्यूटी नहीं मिल रही है नियमित रूप से। हम रोजगार होते हुए भी बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, फिर हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें? तो हम सर से अनुरोध करते हैं कि हमारी ड्यूटी बढ़ाई जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।